नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 12 रुपए का स्टॉक है और 266 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। खबरें बड़ी हैं, आइडिया में लगातार गिरावट हुई, 15 रुपए के प्राइस से स्टॉक फिसला है आपका। और अभी भी अगर आप देखो तो क्या कोई अपसाइड मोमेंटम दिखाई देता है या नहीं, खरीदारी यहाँ पर करनी है चाहिए आपको या नहीं, क्या बनता है स्टॉक में अगर आप रुकते हो तो, कितने टारगेट के लिए रुको, सपोर्ट कहाँ है, टारगेट कहाँ पर है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टारगेट की जहां तक बात रही, अपर साइड से स्टॉक आपका नीचे आया तो 16 रुपए के आसपास, और इस समय जो सपोर्ट लेवल है आपका, इट इज अराउंड 11 रुपए के आसपास आपका सपोर्ट है। 11.80 रुपए, 11.75 रुपए आप कह सकते हो। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं है। ठीक है, स्टॉक में खबरें अच्छी नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 36% स्टेक बाय किया, यहाँ पे बाय क्या किया, वो ओन किया इन्होंने, एंड उससे बहुत सारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ स्टॉक के ऊपर। अभी अगर आप देखो आरएसआई का 51 पॉइंट्स का हो चुका है, मैकडी आपका लोअर साइड लुकिंग है, और हिस्टोग्राम अपर साइड जरूर है बट वॉल्यूम उतना नहीं है, 1 बिलियन 2 बिलियन के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होता रहा है। और इस समय अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में 250 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, विच इज नॉट वेरी हाई। ठीक है, कंपेरेटिवली अगर आप वोडाफोन आइडिया में वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम बहुत तगड़ा रहता है यहाँ पे। तो अभी के लिए अगर आप खरीदारी कर चुके हो, होल्ड करो अपनी पोजीशंस पर, निकलने की बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में अगर आपने खरीदारी कर ली है तो कुछ बुरा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल खबरें, जो बड़ी खबर है वो है 5G लॉन्च, 12 से 23 में लॉन्च होगा, और वोडाफोन आइडिया का प्राइसिंग सबसे कम रखने वाले हैं ये लोग। अर्पू रेशियो वैसे इनका काफी ठीक ठाक हो चुका है, तो लॉन्गर पीरियड में अगर आप बात करो 3 से 6 महीने में, तो ये स्टॉक आपको कम से कम 100% का रिटर्न यहाँ पर दे सकता है। स्टॉक ने पहले भी अपने आप को प्रूव किया है एंड ये दोबारा आपको उस तरह का करके दिखाएगा। 11 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेकर खरीदारी करो, अपर साइड 16 रुपए का पहला टारगेट रखना है आपको। स्टॉक अच्छे जोन में है, और जहां तक बात बाजार की है, देखो बाजार में गिरावट है, इसका भी एक प्रेशर है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, इसकी वजह से गिरावट है। तो घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक मत करो। लॉकडाउन की वजह से बाजार और एफआईआई की बिकवाली की वजह से बाजार में गिरावट है, बट साथ में वोडाफोन आइडिया में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है। खरीदारी करने की मेरी आपको सलाह रहेगी, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करो, अच्छा स्टॉक है, अच्छा मोमेंटम है, लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो खरीदारी करने की सलाह। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, अगर पूछना हो तो।